दोस्तों, मैं हूं अमित, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे एंकल जॉइंट पेन के बारे में। एंकल जॉइंट पेन का जो सबसे पहला लक्षण है, आपका जो दर्द होगा, शुरुआती दर्द, अगर आपके पुरानी चोट लगी हुई है तो आपके जो दर्द होगा वो बहुत तेज़ होगा। अगर आपके चोट नहीं लगी हुई है तो आपका जो दर्द शुरुआती होगा बहुत स्लोली होगा, बहुत लाइटली होगा। दूसरा जो लक्षण है, जो दर्द होता है शुरुआती, वो आपके तलवे में होता है, केवल तलवे में, ऊपर नहीं होता है, आपके तलवे में दर्द होना। तीसरा लक्षण आता है दर्द, अगर आपके पैर के साथ साथ आपके कूल्हे में और आपके पीठ में भी हल्का हल्का दर्द महसूस होना। अगला जो लक्षण है, थोड़ी देर बैठने के बाद या जब रात में सोते हैं तो सुबह उठने के बाद पैरों में अकड़न सी होना, यानी अकड़न सी होना या कमज़ोरी सी महसूस होना। अगला जो लक्षण है, चलने में दर्द होना, अगर आपको चलते में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है तुरंत गिर जाएंगे, ये भी एक लक्षण है। इसके कई कारण हैं। जो सबसे पहला कारण है मोटापा, मोटापे के कारण से भी एंकल जॉइंट पेन होता है। या जो दूसरा कारण है हमारा, चोट लगने के कारण, चोट लगने, जैसे पुरानी चोट लग जाती हैं, चोट लगने के कारण से जो हमारी प्लैंटर सुप्रास्पाइनेट है, जो मसल्स होती हैं उनमें अगर मान लीजिए कोई चोट लगे, अगर वीकनेस आ गई, उसके कारण से भी हो सकता है। या आपके शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण से भी हो सकता है, विटामिन डी की कमी के कारण से आपके लिगामेंट्स में कोई इन्फ्लामेशन के कारण हो सकता है। या आपके क्या बोलते हैं, शरीर में पोषक तत्वों के कारण से भी हो सकता है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी से भी हो सकता है। या आपकी जो पैर की, जो आपके एंकल की जो हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी, उसका बढ़ जाना, उसके कारण से भी हो सकता है आपको। या ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना, जैसे अगर आप बेल्ट ज़्यादा टाइट बांधते हैं या पेंट ज़्यादा टाइट पहनते हैं, तो आपकी जो मसल्स होती है, जो ये मसल थाई वाली मसल्स होती है, जिसको हम सियाटिक नर्व कहते हैं, सियाटिक नर्व में जब आप बेल्ट टाइट से मान लेते हैं तो आपकी जो कमर है उसमें ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है, तो धीरे धीरे वो आपके एंकल में भी दिक्कत दे सकती है, तो उसके कारण से भी दर्द होना। या आपका लगातार खड़े रहना, आपके खड़े रहने से भी आपका लगातार खड़े रहना, कुछ लोगों का वर्क ऐसा है, खड़े रहने से भी आपको ये एंकल जॉइंट पेन होता है। या दौड़ने के कारण, दौड़ते हैं जो हमारे जो खिलाड़ी लोग होते हैं, दौड़ने के कारण गिर जाते हैं, अगर मोच आ जाती है तो भी हो सकता है। या खेलते समय गिर जाना, ये भी एक, खेलते में कभी ऊंचा कभी नीचे में पैर पड़ता है, ये भी एक कारण है। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय में जो सबसे पहला उपाय करते हैं, जिस पैर में आपको दर्द है उसके नीचे पिलो रखिए, उस पर पैर रखिए और उस पर पैर रख के लेटिए। दूसरा है, जिस आपके पैर में जिसमें दर्द है उसको 2 से 3 हफ्ते का रेस्ट दीजिए, और आइस थेरेपी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आइस पैक नहीं है तो एक टॉवल को ले सकते हैं, टॉवल में छोटे जो बर्फ, फ्रिज में बर्फ जमा लें और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो टॉवल में लपेटिए, छोटी टॉवल में लपेट कर आप जहाँ पर आपके दिक्कत है आप उस पर रख सकते हैं, उस पर रखिए, उससे आपकी स्वेलिंग में बहुत रिलीफ देगा। या आप जो गर्म पानी कर सकते हैं, गर्म पानी को में 1 घंटे बाद इसके आप गर्म पानी में टॉवल डालिए, उसके ऊपर रखिए, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। या आप ये उपाय कर सकते हैं, गर्म पट्टी बांध सकते हैं, गर्म पट्टी से भी आपको आराम मिलेगा। या आप नंगे पांव ना चलें, अगर आपको ये दिक्कत महसूस हो रही है आप नंगे पांव ना चलें। और आप जो जूते पहने, जूते बिल्कुल ऊँचे नहीं होने चाहिए। एक बात जो मैं बता दूँ, ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर लेडीज़ों को होती है कि वो ऊंची सैंडल जो पहनती हैं, आप ऊंचे जूते ना पहने, बिल्कुल एक समान जूते पहने। और खेलते समय ध्यान रखें कि कहीं पैर में कहीं ऊंचे नीचे में तो नहीं जा रहा है। या आप विक्स या बाम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसको आप उससे 10 मिनट तक आप मसाज करा सकते हैं। अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। थेरेपिस्ट जो सबसे पहला
आपको लगाएंगे वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आपको जो स्वेलिंग है, जो लिगामेंट में आपके इन्फ्लामेशन आई है, उसको आप रिलीफ देता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के बाद आपको लगा सकते हैं SWD, लगा सकते हैं SWD से सिकाई कर सकते हैं, या इंफ्रारेड बल्ब लगा सकते हैं, या वो बैक्स वॉथ लगा सकते हैं, या टेंस लगा सकते हैं। मतलब कि ये आपकी जो अवस्था है, आपकी जो बीमारी है वो कितनी बीमारी, वो कितनी पुरानी है उसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन जो अगर आपकी शुरुआती है तो आप आइस पैक लगाइए, गर्म पानी से सिकाई कीजिए और आप उसको रेस्ट दीजिए। आप हल्दी एक कप में आप हल्दी दीजिए और करीब 3-4 कप जो दूध लीजिए उसको गर्म कीजिए, उसमें 1 चम्मच से ज़्यादा 1.5 चम्मच आप हल्दी डालिए, उसको गर्म कीजिए। फिर जब वो गर्म हो जाए उसके अंदर 2 चम्मच शहद डालिए और 4 काली मिर्च उसमें पीस कर डालिए। आपको आपके सूजन में ये बहुत रिलीफ करेगा। अगली वीडियो मैं फ्रोजन शोल्डर की बनाऊंगा। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं, मुझे हौसला मिलता रहे, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं।